Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा मैनपुरी का और दो विधानसभा, एक तो रामपुर का और दूसरा खतौली का, इन तीनों विधानसभा और लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की तो खतौली में समाजवादी पार्टी और RLD की सहमति से जो मदन भैया कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए। लेकिन रामपुर, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ और आजम खान का किला कहा जाता है, वो इस बार ध्वस्त हो गया। और इस चुनाव के बाद जिस तरीके से मायावती का बयान आया है, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई भुजा आ गई है। दरअसल बात करें तो मुस्लिमों को लेकर मायावती ने कुछ ऐसा बात कह दिया है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार मायावती के द्वारा और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा फैसले लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी लेकर अब विरोधी पार्टी, खास करके अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ते नजर आ रही है। और इस कड़ी में बात करें तो जो अतीक अहमद है, जो कि बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अब किसी भी बाहुबली माफियाओं के साथ हमारी पार्टी नहीं जुड़ेगी और उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो है मायावती जिस तरीके से अतीक अहमद की पत्नी साहिस्ता परवीन को अपने पार्टी में लेकर आ रही है, उससे ये स्पष्ट संकेत देता है कि बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम वोटरों को साध कर उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव में आने चाहती है। और ये जब अतीक अहमद का मामला आया तो मुख्तार अंसारी की चर्चा ना हो ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, बात करें तो मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी भी बहन मायावती का दामन थाम लिए हैं। तो वहीं उनके जो बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं, वो गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के ही सांसद हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं और दो बार मऊ सदर विधानसभा सीट से BSP के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं अब्बास अंसारी भी जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब्बास अंसारी फिलहाल बांदा जेल, उनके जो अब्बास अंसारी हैं वो फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं, और उनको लेकर जिस तरीके की सुभाषपा राजनीति कर रही है, और सुभाषपा का ये मानना है कि ये मेरे विधायक हैं ही नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, ये उनके विधायक हैं, और अखिलेश यादव लगातार अपनी स्पष्ट छवि बनाने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। और शायद यही वजह रही कि सुभाषपा के टिकट से उन्होंने अब्बास अंसारी को टिकट दिलवाया। तो इन सारी बातों को अगर पूरा कलेक्टिवली जमा किया जाए तो कहा यह जा रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो बहन मायावती का दामन फिर से थामेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो थामता है तो उनका सियासी करियर क्या होगा, और क्या बहन मायावती मुख्तार अंसारी के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, आपको इस बात पर क्या लगता है कि जिस तरीके से अतीक अहमद की पत्नी को उन्होंने ज्वाइन कराकर संकेत दिया है, उसका सियासी असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।